हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फ्रेंड्स। आज तारीख है 17 सितंबर, और जैसा कि आप लोगों सभी को पता है कि आज है विश्वकर्मा पूजा। और हमारे तरफ मतलब सभी जगह लोग मनाते हैं, बट हमारे तरफ लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि मैं जहाँ पे बर्थ हुई है वो पूरी शहर ही स्टील की है, मतलब बोकारो स्टील सिटी। तो वहाँ पे बहुत धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है, लोहे का शहर है वो। और ये मेरी पत्नी जो है लौह पुरुष जो कहते हैं ना, लौह पुरुष नहीं, ये देखिए नारियल छील रही हूँ इनको, मतलब नारियल लेकर, अरे क्या है, नारियल लेकर आए थे ये पूजा के लिए, तो छील नहीं पा रहे, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे छील रहे हैं। हम बोले ऐसे छिलाता है, फिर मैं छील कर भी दी हूँ। अब ज्यादा डिटेल में मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि ये क्यों अच्छा छील लेती है ये देंगे ना इसी से लेकिन ठीक है यार, जो भी हो काम अच्छा हो रहा है ना, चाहे मैं करूँ चाहे ये करे। और अभी मुझे पूजा भी करनी है, तो मैं अपना सारा पूजा का सामान लेके आ गया हूँ। गाड़ी मेरी बाइक भी धुल गई है और मेरे कार भी धुल गया है, तो मैं अभी दोनों गाड़ियों की पूजा होगा। तनु, तुम अपना साइकिल धोई बेटा? नहीं। तो ये तनिषा अभी अपने साइकिल को नहीं धोई है। तो मैंने ये बबल का ले लिया और सोचा कि इससे फुलाऊंगी। तो ये अभी तनु जल्दी साइकिल धो बेटा अपना, तो जल्दी से साइकिल धो करके और हम लोग नहा धो करके पूजा करेंगे श्री श्री विश्वकर्मा जी का साइकिल। और उसके बाद फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम जो भी होगा देखते हैं। भरा जाएगा बेटा, पहले पूजा तो करो। तो यहाँ तनिषा अपना साइकिल धो रही है, आपने पिछले साल भी देखा होगा आपने। और इधर ये जो है वो एकदम शिद्दत से लगी हुई नारियल तोड़ने में। ए तोड़ू, ये अभी हम पूरा धोए थे, ये लाल एकदम किस पर मैं कर दी बालकनी हो गया, सब पे फोड़ दूंगी बालकनी। खाली मार पीट करा लो इसे बस। अब ऊपर क्या लगाऊंगी इसके? ऊपर क्या लगाओगी, क्या लगाती हो? धो अच्छे से, धो अच्छे से, साफ हो, चमकना चाहिए एकदम, चम 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 चम। पानी से मैंने पूरा धो दिया। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। तो ये विश्वकर्मा जी का पूजा हो रहा है, ये आज मतलब हमको बताया भी नहीं, और ये माला लेकर आए हैं और फोटो भी लेकर आए हैं विश्वकर्मा भगवान का। एक एक पहले फूल चढ़ाइए ना सब जगह। तो आज ये लोग मिलके पूरा घर की पूजा कर रहे हैं, घर में उधर तुलसी जी में बैठ दीजिए, और ये अच्छा सजा दीजिए, आगे आगे तरफ कर दीजिए पत्ती से। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बेसमेंट गाड़ी के पास पूजा करने के लिए ये भी अपना साइकिल ले ली है, और ये लोग बाप रे पूजा करने जा रहे हैं, तो ये हीरो जैसे स्टाइल में क्यों खड़े हैं? तो कैसे बन जाए, गुंडा बन जाए? मन में एकदम श्रद्धा रखी, मतलब पूजा करने जाए तो गुंडा बन जाए, हीरो नहीं बन जाए, विलन बन जाए। ए विलन, अरे चलो भी। कहाँ है हमारी गाड़ी? ओ गाड़ी तो चमक रही है। इधर बाइक, इधर कार, और तनिषा आ रही है साइकिल। ये देखिए इसका साइकिल का सब कुछ, ये कोई सामान अपना अच्छे से रख ही नहीं सकती है। अरे नहीं, पापा ने पंखी तोड़ दिया था ना। अब वो कौन तोड़ रहा है उसका बास्केट? डायरेक्शन सही है, लोटा छोड़ कर आए हैं ऊपर शायद, वहाँ पूजा हो रहा है लग रहा है। तो ये लग रहा है सोसाइटी में पूजा तो हो रहा है, ऊपर सजाया हुआ है। तो ये सोसाइटी में भी अंदर शायद सारे मशीन वगैरह है, यही से ऑपरेट होता है वो जो लाइट वाइट जाता है सब। तो हाँ एलटी रूम है, तो यहाँ पर विश्वकर्मा जी का पूजा हो रहा है, मतलब गेस्ट हम कर रहे हैं कि विश्वकर्मा पूजा ही हो रहा है, क्योंकि मशीन वगैरह है ना, वही हो रहा होगा। चलिए अभी टाइम लगेगा पूजा में। यहाँ लोटा
मेरी बाइक बहुत चमक रही है नहीं, और ये भी तुम्हारा साइकिल भी, तीनों चमक रहा है। तो ये सबसे पहले मेरी अपनी बाइक, उसके बाद फिर ये तनु का साइकिल आया, और फाइनली हम लोगों को ये इतनी बड़ी गाड़ी मिली। चलो हो गया, रहने दो। तो बिट्टू ने फोड़ा ये नारियल को, मैंने फोड़ा, चढ़ा दीजिए। तो हमारी पूजा हो गई है, यहाँ दिया और तो फ्रेंड्स हम लोग पूजा करके आ गए। और एक चीज़ मैं बताना ही भूल गई कि कल जीतिया है बच्चों के लिए, उनकी माताश्री लोग करती है तो जैसे हमने क्विज किया था इनके लिए, वैसे ही इस बार जीतिया की हूँ मैं, दीदी भी की है। तो आज किसके लिए की है? तो किसके लिए की है? ये बच्चा के लिए, ऐसा बच्चा के लिए कल है जीतिया 18 तारीख को, और आज नहा खा है तो बहुत सारा चीज बना था आज, लेकिन इतना तेज भूख लगा था ना कि हम लोग खा लिए। तो शायद इसमें दिखा देती हूँ, यहाँ पर आलू पालक की सब्जी बनाई थी दीदी, और ये कांदा होता है, कांदा और नूनी का साग होता है, और झींगा होता है ना, सतपुती झींगा कहते हैं, जो क्या कहते हैं वो तोरी जिसे बोलते हैं, तो उसी तरीके से छोटा छोटा आता है, झिंगनी कहते हैं उसे हम लोग, वो सबका सब्जी मिक्स करके बनाई थी दीदी उसमें। और एक होता है मरुआ कहते हैं, उसका आटा का रोटी बनता है। हाँ तो यहाँ दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पूजा की है दीदी। तो ये देखिए, ये यहाँ अभी दीदी पूजा की थी, तो यही जो नीचे आप काला काला दिख रहा है, ये मरुआ का आटा का रोटी है, और ये सारा सब्जी से ये सब जो आज के दिन बनता है वो है। और आज हम लोगों का प्लान है कहाँ जाने का जी? अक्षरधाम। तो अभी 12:30 बज रहा है, अभी हम लोग जाएंगे 3 बजे अक्षरधाम सारे लोग, और आराम से आएंगे रात में, है ना? हे गाइस, तो अब फाइनली हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं अक्षरधाम के लिए। यही जान मुझे लेट करवाती है बार बार। कहाँ आगे मूर्ति देखने गए? क्या काबी काबी, चल चलो। तो वहाँ देखा, वहाँ क्या है? गए नहीं, जा ही रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पे लग रहा है कि विश्वकर्मा जी का यहाँ पे स्थापना हुआ लग रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब। मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। जिया जी के लिए भी। जिया जी क्या? जिया जी कौन से मोबाइल के फोटो खींचते हैं आप? नहीं वही कर रहे हैं, जिया जी के लिए भी ठीक है। जिया जी का सब कुछ सब। अरे जिया जी कहाँ से कैप्चर करेंगे सब, वहाँ की वो क्या कहते हैं फॉरेन, आंख में कैप्चर करेंगे तो जिया जी के मोबाइल में आज कोई भी फॉरेनर लोगों को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। आंखों में क्या
हे गाइस, तो अभी हम लोग फाइनली अक्षरधाम से घूम घाम करके आ गए हैं और इतना मतलब अफसोस लगता है और मुझे दूसरी तरफ से अच्छा भी लगता है। अफसोस इस बात का था कि हम लोग वहाँ पे फ़ोन नहीं ले जा पाए, अपना गोप्रो नहीं ले जा पाए अंदर, तो कोई वीडियो कोई शूटिंग नहीं हो पाई और उनके हिसाब से ये ठीक भी है। बट लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि मैं कभी भी कोई भी ऐसे स्पॉट पर जाता हूँ ना जहाँ पर मतलब मज़ा आए, घूमने का आनंद लो, वहाँ पे क्या करती है ये लोग, बस चिपक जाएगी सेल्फी लेने के चक्कर में। एक मतलब जिस तरह का मंदिर है अक्षरधाम, अगर उस हिसाब से अगर बात की जाए ना, तो अभी हम लोग वैसे 3 घंटे में हम लोग घूम के निकल आए, मतलब जिसमें हम लोग वो वाटर शो भी देख लिया, और अगर फ़ोन होता हाथ में तब तो बाप रे बाप पूरा 7-8 घंटा कम पड़ जाता है इसके लिए। सही बोल रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं, घर पहुँचे हैं 9:35 या 40 में, और जल्दी जल्दी अभी मैं मम्मी से बात की और बात करके फिर अभी मैं खाना बना रही क्योंकि कल जीतिया है पर, और अभी ऐसा हमारा प्लान था कि बाहर ही खा के आने का, लेकिन फिर मैं सोची कि आखिर मुझे खाना बनाना ही पड़ता, तो मतलब जो भी खाना मुझे बनाना था वो मुझे पूजा करना है सुबह उठ के 2 बजे के आसपास, तो इसलिए फिर मैं सोची कि चलो बाहर आते तो भी मुझे थोड़ा थोड़ा ही बनाना पड़ता चढ़ाने के लिए, तो फिर मैं सोची कि चलो बना ही लेते हैं घर में सबके लिए। तो अभी आने के बाद जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही हूँ, दाल चावल सब्जी और पकौड़ी। मुझे भूख लगी बहुत ज़ोर से। वहाँ पे वाटर शो जो भी अक्षरधाम आप लोग गए होंगे वहाँ पे मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वाटर शो ज़रूर देखें, मतलब बहुत मज़ा आएगा वाटर शो देखने में। छोटा सा ही शो है, 20-25 मिनट का शो है, बट लेकिन देखिए मज़ा आएगा। और उस अच्छा है कि वहाँ पे मोबाइल रख लेते हैं क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा था वहाँ पे, और अगर मोबाइल फ़ोन ना होता ना, मतलब अगर मोबाइल फ़ोन होता हाथ में तो सभी लोग मोबाइल में लगे रहते और सब वीडियो बनाने लग जाते हैं, वो माहौल को इंजॉय नहीं कर पाते जो कि मतलब उस माहौल में जो आनंद है। और मुझे लगता है ये मतलब अक्षरधाम के जितने भी टूरिस्ट प्लेस है ना जहाँ पे घूमने फिरने वाली जगह है, वहाँ पे सभी जगह ऐसे होने चाहिए कि मतलब मोबाइल जो है पहले छीन के रख लो। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है आप लोग ही बताइए। चलिए गाइस, तो अभी खाना वाना बन जाता है, उसका हम लोग खा करके उसके बाद फिर जाएंगे सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो फ्रेंड्स, खाना तो बन गया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं आया दिखाने के लिए, और ये खाना मैं बनाई थी जल्दीबाजी में और जल्दी जल्दी ऐसे सर्व कर दी हूँ पाल की तरह। चावल तन्नू को यहाँ खिला रही हूँ, दाल के साथ मैं खा रही हूँ सब्जी के साथ, चावल है दाल है ये सब्जी जो मैं बनाई थी, मतलब आधा खाना खत्म हो गया है हमारा। ये पकौड़ी है, ये भी सब्जी है पालक की, तो जल्दीबाजी में अभी एकदम 9:45 से मैं स्टार्ट की खाना बनाना और ये बना दी, और पापड़ वगैरह कुछ नहीं छानी, सफिशियंट है, भूख लगा था और पूजा भी है तो इसलिए मैं ताज़ा खाना भी बनाई। तो अभी हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए।